Now discuss our next topic is पोलराइजेशन इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, या इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। कैसे होता है कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं, तो ये दिखाई दे रहा है एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, दिस वन, दो प्लेटों के बीच में, चार्ज कंडेंसर के बीचों के बीच में यदि हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, कोई सा भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो सकता है, अभ्रक हो, कोई भी चीज हो डायरेक्ट, तो जो द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज आर ओरिएंटेड, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ओरिएंटेड का मतलब क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पुल्ड टूवर्ड द निगेटिव प्लेट ऑफ द कंडेंसर एंड निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ चला जाता है। तो आप दिखाई आपको दिखाई दे रहा है कि दो प्लेट में पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके पास वाला इंडक्शन के कारण की दूसरा पास वाला यानी कि जो डायलेक्ट्रिक स्लैब उसके पास वाला हिस्सा यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये निगेटिव चार्ज हो गया, और इधर निगेटिव प्लेट है तो यहाँ पे इसके किनारे वाला हिस्सा पॉजिटिव बन गया, ये आपको दिखाई दे रहा है। दस द नेट इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड फील्ड इज टू सेपरेट द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द निगेटिव चार्ज। तो टोटल इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो सेपरेशन हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का, इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ डायलेक्ट्रिक, यानी कि डायलेक्ट्रिक विच आर पोलराइज ओनली वेन दे आर प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। तो इन जनरल हम जनरल कंडीशन में हम बोलते हैं कि यदि कोई हमको पता है कि जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका जो टोटल डायपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है, और किसी भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं वो एक्सटर्नल फोर्स मान लो ई जीरो है, सपोज ई नॉट, तो क्या होता है कि जितने भी पॉजिटिव का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो हो जाएगा किधर की तरफ, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में, और जो निगेटिव का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट रह जाता है, ठीक है। तो जब तक एक्सटर्नल फील्ड द्वारा पॉजिटिव और निगेटिव पर लगने वाला बल पॉजिटिव और निगेटिव के डिस्प्लेसमेंट के कारण लगने वाले इंटरनल बल से कैंसिल नहीं हो जाते, तब तक ये काम होता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि मॉलिक्यूल एक डायपोल मोमेंट की तरह काम कर लेता है, एक तरफ पॉजिटिव हो गया एक तरफ निगेटिव हो गया, यानी कि इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, मॉलिक्यूलर पोलराइज हो गया, तो इसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। तो हम इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में एक बहुत थोड़ा सा इलेक्ट्रिक यानी कि माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट होता है, तो मॉलिक्यूल्स में जो डायपोल मोमेंट हो रहा है पी जो इंड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने ज्यादा हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे उतने ही ज्यादा क्या कहते हैं डायपोल यानी कि मोमेंट हमारा बनता है, यानी कि पी जो इंटरनल है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उस ढंग से है। तो यहाँ पे दिखाया है कि वेन द डायरेक्टिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, दो पैरेलल प्लेट है, दिस वन इज फर्स्ट पैरेलल प्लेट एंड दिस वन इज सेकेंड पैरेलल प्लेट, दोनों प्लेट, ठीक है। तो सरफेस चार्ज जो दिखाई दे रहा है अपीयर आपको दिखाई दे रहा है पॉजिटिव चार्ज आर वन सरफेस एंड निगेटिव चार्ज दूसरे सरफेस में है, तो क्या होगा, तो इंड्यूस हो जाते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, एक जो पॉजिटिव प्लेट है उसके पास वाला हिस्सा निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव वाला प्लेट का पॉजिटिव हो जाता है, तो इस ढंग से दो हमको इंड्यूस जो निगेटिव और पॉजिटिव हुए है ये दोनों ये एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं ई डैश, इसको हम बोलते हैं ई डैश, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करेंगे, तो रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस ई डैश। तो इस प्रकार इफ द डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस सरफेस चार्जेस अपियर, इंड्यूस चार्ज यानी कि प्रेरित चार्जेस अपियर होंगे विच टेंड्स टू
वीकन द ओरिजिनल फील्ड, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसी जो हमारा जो प्रोसेस है इसी को हम बोलते हैं डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। तो हम जनरल इसको हम इस ढंग से भी दिखा सकते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये हमारे पास इतना बड़ा वो है, 1 2 3 4 5 6 हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं ये। तो ये क्या है, ये कंडीशन है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ही इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने कहा था कि पोलराइज हो जाएंगे मॉलिक्यूल, निगेटिव एक तरफ हो जाता है पॉजिटिव एक तरफ हो जाएगा, निगेटिव एक तरफ होगा पॉजिटिव एक तरफ होगा, निगेटिव एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ। तो इस ढंग से ये मॉलिक्यूल्स का जो आयोनाइजेशन हो रहा है निगेटिव पॉजिटिव का अलग अलग, तो दो निगेटिव पॉजिटिव जब अलग अलग हो जाएंगे तो इंटरनल फील्ड क्रिएट करेंगे जो ओरिजिनल फील्ड को क्या करेंगे, वीक करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ पोलराइजेशन इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल।